साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि पेचिस दो प्रकार की होती है। एक में ब्लीडिंग होती है, ब्लड जाता है, और दूसरी में लैटरिंग। आपकी टॉयलेट पतली होती है, चिपचिपाहट होता है, चिकनाहट होती है, पेट में दर्द होता है और काफी परेशानी होती है। तो मित्रों बताना चाहते हैं कि पेचिस यानी दस्त जो इंसानों को बहुत परेशान करता है, बच्चों में खासकर बहुत दिक्कत होती है, लेकिन लोग अंग्रेजी दवा नहीं खाना चाहते। तो हम एक ऐसी औषधि के बारे में बताना चाहते हैं जो बिना पैसा लगाए हर घरों में, हर परिवार में, हर टोलों, हर मोहल्लों में, शहरों में, हर जगह उपलब्ध होती है, जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं इसको नाम बताने पर। इस औषधि से बिना अंग्रेजी दवा खाए आप पेचिस को सही कर सकते हैं। मित्रों जिसका नाम है गुड़हल, गुड़हल का फूल जैसा कि सभी को घर में है, पूजा पाठ में उपयोग करते हैं, घर में शोभा बढ़ाने के लिए भी लगाते हैं। पेचिस से समस्त प्रकार के ग्रसित लोगों को गुड़हल की पुष्प कली को तोड़ना है। ध्यान रहे जो पुष्प कली से पुष्प पूरा न निकल पाया हो, कली खिल नहीं पाई हो, सिर्फ कली हो, पुष्प कली, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मित्रों गिनकर 11 बड़ी साइज की पुष्प कली लीजिए और उसका जो कैप है बाहर का जिसमें पुष्प कली रहती है उसको नहीं खाना है, सिर्फ लाल वाली पुष्प कली लेना है। और इस पुष्प कली को दांतों से खूब कूच कूच कर महीन कर आपको खा जाना है। और खाने के बाद आपको आधा चम्मच फिटकरी का चूर्ण और आधा गिलास संभव हो तो मट्ठा यानी छाछ को लेना है। फिटकरी के चूर्ण को खाकर मट्ठा को पी जाना है और थोड़ा सा कुनकुना पानी पी लेना है। थोड़ा सा फिटकरी खाने पर मुंह बक्सा जाएगा, मुंह में अजीब लगेगा, ब्राह जैसा हो जाएगा, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है, आधे घंटे में वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पेचिस के समय परेशान में जलन है उसको भी सही कर देगा, पेट के दर्द से आराम मिल जाएगा। इसके अलावा जो ब्लड जा रहा है वो भी सही हो जाएगा और जो पतली पेचिस हो रही है यानी कि लैटरिंग पतली हो रही है उसको भी खाने के दवा खाने के बाद एकाध बार तो आपको ऐसे दिक्कत रहेगी, उसके आधे घंटे के बाद आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। यानी पतली टट्टी, ब्लड जाना, चिकनापन होना, लैटरिंग ढीली होना, साफ न होना, एक घंटे में आपको धीरे धीरे करके पूरा आराम मिल जाएगा। और मित्रों यह संपूर्ण औषधि किसी भी प्रकार से बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं डालती। तो मित्र इस औषधि का प्रयोग 10 साल के बच्चों से लेकर वयस्कों को और बुजुर्गों तक दिया जा सकता है और पेचिस से निजात पाया जा सकता है और बिना अंग्रेजी दवा खाए। तो मित्रों वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आप को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग इस दवा का प्रयोग कर इस पेचिस वाले रोगों से बिना अंग्रेजी दवा खाए निजात पा सकें। धन्यवाद।